हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 11.4 से। क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोजीशन। हमें एरिया निकालना है, इस फिगर से हमें किसका एरिया निकालना, शेडेड पोजीशन जो हमारे रेड कलर में किया हुआ है, इसका हमें क्या निकालना, एरिया निकालना। अब देखो ए बी सी डी हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगल है या क्वाड्रिलेटरल है। ओके, ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन इसमें देखो ये तो शेडेड पोजीशन है, तीन फिगर में डिवाइड हो रखा 1, 2, 3। ये थर्ड वाली तो हमारी शेडेड पोजीशन, मुझे इसका एरिया निकालना। इसके एरिया तब निकलेगा जब हमारा पूरी फिगर से ए बी सी डी से ये दोनों ट्रायंगल 1 और 2, ये दो ट्रायंगल बन रहे, देखो थ्री साइड, जो थ्री साइड से बनते हैं उनको क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। हमको इनको माइनस करना पड़ेगा भाई। जब पूरी फिगर से हम इन दोनों को माइनस कर देंगे तो ये शेडेड रीजन बच जाएगा हमारा। तो यही हमें निकालना, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड पोजीशन क्या हो जाएगा, शेडेड पोजीशन का एरिया। देखो एरिया हमारे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए बी सी डी, ये रेक्टेंगल में है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी माइनस ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल ए ई एफ या ए एफ ई, ट्रायंगल ए एफ ई एरिया, इसका भी एरिया निकालना, और माइनस ट्रायंगल ई बी सी, एरिया ई बी सी, भाई दो ट्रायंगल एक ही, इनको हमें माइनस करना। देखो तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है भाई, लेंथ इंटू ब्रेथ माइनस ट्रायंगल का एरिया। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2b × h, तो क्या होता है 1/2 base × height, और माइनस ये वाला ट्रायंगल, ये भी 1/2 base × height। अब देखो रेक्टेंगल एरिया, देखो लेंथ कितनी है हमारी 18 है, तो 18, ब्रेथ कितनी है भाई 10 है, ये 10 है तो 10 हो जाएगा, माइनस 1/2। देखो आपका ये ट्रायंगल है यहाँ पे 90 का बन रहा, आप इसको या बेस लो या इसको लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में 90 डिग्री है। ओके, तो बेस हमने ले लिया ये वाला पोजिशन, ए एफ कितना है 6 सेंटीमीटर है, तो भाई 6 सेंटीमीटर है, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक कितना 10 है, तो यहाँ से यहाँ तक 4 है, और यहाँ तक कितना है 6 दे रखा है, तो 6 और एच हमने ले लिया 10, माइनस 1/2। इसमें देखो बेस हमने 8 ले लिया, तो इंटू 8, और हाइट हमने 10 ले लिया। ओके, इसमें आप कोई भी हाइट ले सकते, कोई भी बेस ले सकते, क्योंकि हाइट के लिए हमें क्या 90 डिग्री का एंगल चाहिए, ठीक है, जो आपका बन रहा है। अब देखो ये तो हो जाएगा हमारा 180 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 2 × 3 = 6, और 10 × 3 = कितना हो गया 30 सेंटीमीटर का स्क्वायर, माइनस 2 × 4 = 8, 10 = 40, और ये सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। ओके, देखो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, कितना हो जाएगा 70 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसको माइनस कर दो, देखो 0 का 0, 8 में 7 का 1, और ये 110 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो हमारा शेडेड पोजीशन आ रहा वो कितना आ रहा, 110 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा। ओके, सेकंड फिगर में देखो भाई, इसमें भी हमें शेडेड रीजन का निकालना भाई। एक हमारे पास बाहर है फिगर, ये 10 है, ये 10 है, ये भी 10 होगा, यहाँ पे 20 20 20, इसका मतलब बाहर हमारा क्या है, स्क्वायर है, यहाँ ये भी 20 है, तो चारों साइड इसके इक्वल है, तो ये हमारा क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। अब मुझे पहले इस ट्रायंगल को शेडेड दी, इसको निकालने के लिए मुझे स्क्वायर से ये तीनों ट्रायंगल को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा भाई। इसमें भी एरिया ऑफ शेडेड पोजिशन या रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर भाई बाहर फिगर हमारे क्या स्क्वायर है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल PTQ, ठीक है, माइनस QUR, ट्रायंगल QUR यहाँ पे लिख रहा मैं। ओके, यहाँ देखो हम यहाँ पे लिख रहे हैं एरिया ऑफ द स्क्वायर माइनस
एरिया ऑफ ट्रायंगल पी टी क्यू माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू यू आर और माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल टी एस यू ओके एरिया ऑफ द स्क्वायर देखो एरिया ऑफ द स्क्वायर हमारा क्या होता है साइड इंटू साइड होता है इट मीन साइड कितनी है 20 है 20 इंटू कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा माइनस इसमें देखो भाई यहाँ अगेन 90 है स्क्वायर के चारों तरफ 90 बनता है तो हमारा 1/2 बेस हमने 10 लिया हाइट हमने कितनी ले ली 20 ले लो ओके 20 माइनस अब ये इस वाला ट्रायंगल में देखो कोई भी आप बेस ले सकते कोई भी हाइट ले सकते तो 1/2 बेस हमने अगेन इसमें 10 लिया और हाइट हमने 20 ले लिया ठीक है माइनस अगेन ये हमारा ये वाला फिगर ठीक है यहाँ पे हमारा ये ट्रायंगल ये वाला 1/2 बेस भी 10 हो जाएगा क्योंकि बेस और हाइट भी कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी अब ये तो हमारा हो जाएगा कितना 400 सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर में माइनस 2 5 10 25 जै कितना हो जाएगा 100 और सेंटीमीटर का स्क्वायर यहाँ कितना हो जाएगा 5 ये भी अगेन कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा भाई सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 2 5 10 5 जै कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर का स्क्वायर अब यहाँ देखो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर इसको माइनस 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 का प्लस हो जाएगा 100 100 200 250 हो जाएगा 200 सेंटीमीटर का स्क्वायर भाई 400 में से माइनस कर दो देखो 0 का 0 10 में से 5 गया 5 यहाँ बचा 3 में 2 गया 1 क्या आ जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर ओके तो ये हमारे किसका एरिया आया सेट रीजन का है ओके